एक सवाल पूछना एक सवाल सेल बॉडी के बारे में पूछना कुछ क्या पूछे फिर नहीं वो सेल सेल बॉडी सेल सेल बॉडी किसको बोला जाता है ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो भी नॉन टेरिटोरियल है जो अर्थ से बाहर की बॉडी है जो भी उसको सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे बल्कि अर्थ पॉइंट ऑफ रेफरेंस में अगर आप सूरज पे अगर आप चांद पे बैठे तो इवन अर्थ इज अ सेलेस्टियल बॉडी एवरीथिंग दैट इज मूविंग इन स्पेस इज अ सेलेस्टियल बॉडी जो मूविंग रोटेशन और रिवोल्यूशन के साथ कर रहा है वो तो जी यही तो मतलब कोई आया था उसने बोला था कि आपने सूरज और चांद को खुदा ने मतलब दिन और रात को खुदा उसी तरह समझ लिया जैसे सूरज चांद के तरह आपने वो था आया सूरज अंबिया के थर्टी थ्री में था सूर्य अम्बिया के नहीं ग्यारह थे जो मैंने आपको दिखाई हुई है उन साड़ियों के अंदर अः सूरज और चांद का जिक्र हो रहा है और दिन और रात के हवाले से हो रहा है वो सिर्फ एक ही सिलेश यही मसला ना आप लोग फंस जाते हैं आप एक आयत को तो तोड़ मड़ोड़ सकते हैं लेकिन ग्यारह आयतों को कैसे तोड़े मडोड़ेंगे ये मैं हजार दफा ये ये वाली खोल के दिखा चुका हूं सबको और आपको फिर दिखा देता हूं क्योंकि आपने मानना तो नहीं है लेकिन मैं आपको फिर दिखा देता हूं कि जो आपका एक को आपने वो सुरंबिया वाली में आपने कहा ऑब्जेक्ट अच्छा जी किसी और का जिक्र हो रहा होगा चलो लेकिन उसके अलावा और किसका जिक्र हो रहा है ठहरे जरा मैं आपके सामने वो भी खोल लेता हूँ रेडियो मानोगे फिर आप नहीं मानना नहीं आपने वो अभी आप जाके सोएंगे सोचेंगे फिर कहेंगे नहीं मैं इसको ये जवाब दूंगा फिर आप कहेंगे ठहरे ये नहीं ए किधर गया मैं ये तो मेरा

इससे साफ जाहिर है यही अच्छा ये एक है अगली क्या ही सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून कंटिन्यूस ऑर्बिट एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड डे अगर ये बात यहां तक होती ना सिर्फ यहां पे फुल स्टॉप आ जाता कि अल्लाह ने तुम्हारे तो लिए चांद और सूरज का मदार बनाया हम कहते हो अच्छा अभी सूरज का मदार तो है मिल्की वे के गिर लेकिन जब उसने एंड नाइट एंड डे घुसा दिया ना इसका मतलब ओ हो ये वो सोचा जा रहा है कि दिन और रात

नाइट एंड डे को इस तरह नहीं समझा सकता जैसे कि अगर बाद में ऑल आ रहा है ना इसका मतलब नहीं कि पिछला सब इंक्लूड कर देंगे ठीक है क्योंकि तो कुरान का एक जगह बकरा में 164 में लिखा हुआ कि रात के दिन और बदलने में तो वहां क्लियर हो गया कि रात दिन एक सिचुएशन है जो क्रिएट होता है तो उसके बदलने में बात हो रहा है ऑल जो आ रहा है इसका मतलब नहीं कि पिछला सब इंक्लूड की पिछले नहीं तो अगर आप याद कोई ऐसे तो बात नहीं ना होगा कि मैं आपको कहूंगा कि गाड़ियां तेज चलती हैं और अगले जुमले में मैं आपको कह दूं कि मैं चौंकड़ी मार के बैठा होता हूँ उसका उससे कोई ना कोई तो ताल्लुक होगा ना आप यही कहेंगे दिमाग का कुरान थोड़ी समझ सकते आप, जानता इस बात को बहुत बढ़िया से कि पहले जानता है ना, ना उस... ओ, तो स्कॉलरों की पुराने स्कॉलरों की किताबें इतने कसीर की तफसीर पढ़ लो वो सारे यही समझते थे कि सारे यही समझते थे कि सूरज जमीन के गिर्द घूमता है सारी पुरानी तफसीरें खोल के देख लो उसके अंदर यही लिखा हुआ उन्होंने इसी तरह समझा तो... जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये तो अब आप तो... 21वीं सदी का नॉलेज बीच में के कह रहे नहीं अच्छा ये तो 21-33 की आप बात कर रहे हैं बाकी सारियों में वही बात हो रही है सारियों में वही बात तो मतलब बाकी सब में लिखा हुआ तो सब्जेक्ट मतलब वो अल्लाह का हुक्म को फॉलो करता है यहाँ पर ऑल पुराना आज से मतलब 900 मतलब वर्ष पहले बदावी तफसीर, है, तो उस तफसीर में लिखा हुआ है कि ऑल जो यहाँ पर जो वर्ड है ना अरबी का कुल्लू जब वर्ड आता है ना डबल होता है थोड़ा अरबी जानते हैं उसके बाद ना एक वर्ड को एमिनेट कर दिया जाता है उसके बाद कुल्लू के बाद वर्ड एमिनेट है ऑल के बाद कुछ तो बोलेंगे ना आपकी ऑल थिंग्स कुछ भी यहाँ पर ऑल के बाद कुछ नहीं दिया हुआ तो स्कॉलर बोलता है बदावी लिखते हैं अपने तफसीर में यहाँ पर लैंग्वेज मतलब वहां पर लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा है लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा है कि इस ऑल के बाद डेम होगा ऑल ऑफ दे और क्योंकि अरबी में दो के लिए वर्ड आता है बहुत जैसे इंग्लिश में आता है तो यहाँ ऑल के माने वो आगे लिखते के बहुत सारे सूरज और बहुत सारे चांद की बात हो रही है सबकी बात हो रही है सब की बात हो रही है ना तो कोई बात नहीं तो सा, सारे तो ये कॉमन व्यू था ना उस वक्त का जमीन जो है सेंटर ऑफ द यूनिवर्स में है ये कॉमन व्यू था उस रेवोल्यूशन इसको कहते हैं यही माना जाता था कि दुनिया है चांद सितारे हर चीज जमीन के गिर्द घूम रहे हैं ये व्यू था उसमें तो बहुत सारे एक सेकेंड ये जो कुल्लून की जो आप बात कर रहे हो वो यही कह रहा है कि उसने दिन और रात बनाए हैं और सूरज और चांद और हर चीज ऑल हेवनली ब्रैकेट क... में भी लिखा हुआ है हर हाँ, तो उसी मदार छोड़ के के दिया गया जी तो और क्या बात मेरी बात हो रही है तो और किसकी बात हो रही है ना हाँ तो हर मदार मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा ना हाँ तो हाँ यही माना जाता था ना तो यही माना, तो था था हाँ, बोल माना जाता था, था ना कि जमीन सेंटर में है हर चीज इसके गिर्द घूम रही है एग्जैक्टली दिस इज वॉट इज कि हर गिर? चीज इसके ये माना जाता था ना हम वो बात क्यों ना एक्सप्लेनेशन माने जो उस वक़्त के लोग मानते थे उसी को मानेंगे ना अगर आज आपको मैं कहूं कि जहाज उड़ते हैं मैं अगर आपको ये कहूं कि मैं उड़ के वहां पे चला गया बर्तानिया चला गया तो आप यही समझेंगे जहाज में उड़ के चला गया क्योंकि सारे लोगों को यही पता है कि जहाज ये नहीं कहेगा कि पर फड़फड़ा के उधर चला गया जो उस वक्त के लोग मानते हैं वही कहेंगे ना तो उस वक्त का कॉमन लोग हाँ समय इतना लोग मानते थे कि बहुत सारे सूरज और चांद जैसे कि स्टार भी तक सूरज सरोज है बहुत लोग मानते थे इस बात सारे हाँ हाँ तो सूरज को स्टार कहते हैं ये तो बड़ा यूनानी यूनानी कहते हैं इसको कि सारे स्टार सूरज जैसे स्टार्स हैं सारे ये मतलब बहुत हाँ ये तो बड़ा है हाँ सारे सारे स्टार्स हैं उनको प्लैनेट्स का नहीं पता था बल्कि वो भी कई इमेजिन करते थे प्लैनेट और सितारे में फर्क ही है प्लैनेट जो होता है रात को एक जगह पे नजर आया अगले दिन आपको उधर से आगे नजर आएगा प्लैनेट का मतलब वॉन्डरिंग ऑब्जेक्ट स्टार जो है सूरज को स्टार ही कहा गया और स्टार जो होता है वो अपनी जगह पे यानी साल में एक उसकी मूव मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की दिनों में मूवमेंट होती है लोग हाँ, तो तो यही लोग, लोग जानते थे जमीन साकिन है जमीन एक जगह पे है बाकी हर चीज कायद घूम रही है क्योंकि जब हम रात को रात को आसमान को देखते हैं तो हमें हर चीज मूव होती हुई नजर आती है आप अपने आईफोन से ना वो रखना Time -lapse की फोटो लगाना आपको देखोगे किस तरह पूरा आसमान घूम जाता वो वो आसमान नहीं घूमता ज़मीन घूम रही होती है तो एक जगह का लिखा हो कि जमीन का मदार है कहीं पर लिखा हुआ ऑल तो में हो जाता ना, नहीं होता जो ऑल में फिर वही बात आएगी जो उस वक्त के लोग समझते थे हम उसी को तफरी मानेंगे अनलेसेशन करें

पहले आपको ऊपर से ठोका ऊपर से ठोका नहीं नहीं ये इसका मतलब वो है तो वो है। इधर मैं आपको कह रहा कि जमीन घूमती है ये ऐड इतने से जुमला पूरे कुरान में नहीं कहीं पे किया हुआ पूरी जगह पे लिखा हुआ सूरज चांद का हेवनली बॉडीज का मैदान जमीन ऐड करना भूल गए नहीं आता वो वो हमारी तारीफ के मुताबिक आता उनकी तारीफ के मुताबिक नहीं आता हमारी डेफिनेशन के हिसाब से उनके डेफिनेशन से आना था तो ऐड करना था एक दफा एड कर दिया तो ठीक है अब हमने की कर दिया ना, हमने बॉडीज की डिफाइन डिफाइन कर तो उसके मुताबिक अगर मैं आपको बॉडीज कहूंगा तो अर्थ भी आएगी लेकिन उसके अंदर भी अर्थ नहीं आएगी क्योंकि हम अर्थ को स्पेशली मेंशन करेंगे मैंने शुरू में मुझसे पूछा ना बॉडीज में सेलेस्टियल बॉडी में क्या होता है तब मैंने आपको क्या कहा था कि नॉन टेरिटोरियल क्योंकि हम जमीन पर बैठे हुए हैं हमारे लिए सारी चीजें हेमनली बॉडीज है हम हेमनली नहीं है हाँ हम जब चांद पे जाएंगे तो तब हम हेमनली बॉडी बनेंगे ये मैंने आपको शुरू में कहा था जाके कॉल को रिवर्स करके सुन लेना चले ठीक है एक 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 एक। ना, ना बस 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 यार कितने लोग ये छलांगे मारते हैं यार उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेटीएम पे, पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ